मलक मुजफ्फर को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि एक तो ये पर्सनालिटी जो है वो ईमानदार पर्सनैलिटी है जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर वो इकतदार में आए तो चिश्तियाँ के बहुत सारे मसाइल जैसे कि हमारे मेन रोड जो हैं वो उनकी हालत जो है वो आप देख सकते हैं गलियाँ और गलियों में खड़ा सेवरेज का गंदा पानी और बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास है ਮਈਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਵਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ चल द नहीं है इसलिए नकारा तो इस हो ही गई हैं लेकिन आप पिछले दिन अच्छे बारिश आई तो सारे सिटी मेगा प्रोजेक्ट का पोल खोल गया हमारे शहर के अंदर ना एक सियासत का रुख बदल रहा है हमारे शहर में और हमारे इस हल्के के अंदर जो स्टेटस को की सियासत है वो स्टेटस को की सियासत हट के और अब आवामी सियासत हो रही है जो ड्राइंग रूम में बैठ के लोग फैसला किया करते थे अब आवाम की अदालत में फैसले हुआ करेंगे और हमारे शहर के जो हमारे बुरी बदहाली का जो कसूरवार हैं जो लोग वो सारे एक तरफ कट्ठे हैं और आवाम हमारे साथ हैं और हम सब एक तरफ हैं। तो इन अल्लाह पाक हमें सोलह तारीख को जीत देगा और यह है कि हमारे शहर के अंदर इतने के ज़्यादा मसाइल हैं कि हम अगर उनको शुरू भी आज शुरू करें तो उसमें भी बड़ा वक्त लगेगा लेकिन ज़ाहिर है अगर शुरू करेंगे तो बंदा एक तरफ सफ़र का आगाज़ करता है तो बंदा मंजिल तक पहुँचता है